दमोह उपचुनाव से पहले बीजेपी ऐसा बड़ा दांव खेला कि जयंत मलैया चाहे या ना चाहे पार्टी का साथ निभाना उनकी मजबूरी बन गया है। पहले खबरें थी कि दमोह से सालों साल विधायक रहे जयंत मलैया उपचुनाव में अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसी बीच मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया अचानक एक्टिव हुए, हालांकि चुनाव थे नहीं पर सिद्धार्थ ने नेतागिरी में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसे देखते हुए ये अंदेशा भी था कि शायद सिद्धार्थ मलैया उपचुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकते हैं। पर बीजेपी ने ऐसी चाल चली कि जूनियर मलैया की नेतागिरी धरी की धरी रह गई। हालांकि ये दुखद है कि जिस पार्टी के लिए पूरा परिवार निष्ठावान रहा उसी परिवार में मलैया के करियर पर पूर्ण विराम नज़र आ रहा है। बीजेपी ने काम ही ऐसा किया है कि चाह कर भी मलैया दोबारा नेतागिरी नहीं कर पा रहे। सिद्धार्थ मलैया ने दमोह में देवेंद्र चौरसिया केस के पीड़ितों की आवाज़ उठानी शुरू की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और रैलियां भी की, बस इस मुद्दे के बूते राजनीति चमकाने की कोशिश की थी। उपचुनाव में मलैया का इसका फ़ायदा उठा पाते उससे पहले ही देवेंद्र चौरसिया केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। इसके मुख्य आरोपी रामबाई के पति गोविंद सिंह परिहार पर शिकंजा कस गया। अब मामला सबसे बड़ी अदालत का है तो चाहते हुए भी मलैया कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा अब पार्टी का साथ निभाना फिलहाल तो बड़ी मजबूरी बन ही गया है।